अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम चिकन मलाई टिक्का बनाने जा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने 200 ग्राम चिकन लिया है, आधी कटोरी हमने दही लिया है, 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने फ्रेश क्रीम लिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट लेंगे हम यहाँ पर, हरी मिर्च और धनिया हमने पीस ली है। मसालों में हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है और स्वादानुसार हम नमक लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले बाउल लेंगे, उसमें चिकन ऐड कर देते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे, धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, दही ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, यहाँ पर हमने गाढ़ी दही ली है, सभी मसाले ऐड कर देते हैं और स्वादानुसार नमक भी ऐड कर देंगे। इसमें अब हम क्रीम मिला देते हैं करीब 2 टेबलस्पून। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे मैरिनेशन के लिए हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए तब स्टिक लेंगे एक और चिकन का एक पीस इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमें मलाई टिक्का रेडी कर लेना है। अब सभी हम इसी तरह से रेडी करके आपको बताते हैं। इस तरह से हमने मलाई टिक्का रेडी कर लिया है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब हमारा टिक्का इसमें हम ऐड कर देते हैं। एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब इसे हम पलट देंगे। अब चिकन पकने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा मलाई टिक्का दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करके आपको बताते हैं। हमारा चिकन मलाई टिक्का बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का बना है ये। आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।